लक्ष्मण यादव जी, क्योंकि आप भी ट्रेवल कर रहे हैं, आप भी गाड़ी में हैं, तो सबसे पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं। क्या आपको लगता है कि लोगों के जो निजी मुद्दे थे, किसानी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौकरियों का मुद्दा है, पर्यावरण का मुद्दा है, और भी तमाम मुद्दे, पेंशन का मुद्दा है सरकारी कर्मचारियों का, ये सब मुद्दे क्या लोगों को हिंदुत्व के हैंगओवर से, वो तथा कथित जो एक सांप्रदायिकता थी कि हिंदू खतरे में है, इतने खतरे में हिंदू आ गए हैं कि उन्हें नरेंद्र मोदी के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, योगी के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था, उस खतरे से हिंदू क्या खुद ही बाहर निकल आए हैं, या ये मुद्दे हैं जो हिंदुओं को कम से कम इन खतरों से बाहर निकाल के लाए हैं? निश्चित रूप से अभिषेक जी की इस समय का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर हो रहा है। 2022 के पहले अगर पिछले 8 साल की भारतीय राजनीति का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें बारंबार यह एक द्वंद्व चला आ रहा है कि जनता के रोजमर्रा की जिंदगी में जो बातें, जो मुद्दे असर डालते हैं, वे ऐसा नहीं कि हाशिए पर ढक के लिए गए। कई बार होता है कि एक लकीर को बिना काटे मिटाए छोटा करने के लिए एक बड़ी लकीर खींच दी जाती है। तो चूंकि सोशल मीडिया का दौर आया, यो सूचना और तकनीक का दौर आया, धीरे धीरे लोगों तक सूचनाएं पहुंचने लगी, तो अब आप राजनीति में यह कर पाना आपके लिए मुश्किल है कि आप इन सरोकारी मुद्दों को बहस से गायब कर दें। तो दो काम किया गया कि वो मुद्दे बहस में रहें, लेकिन उनसे ज्यादा अहम मुद्दा कुछ राष्ट्र और धर्म को बना दिया जाए कि आप कहें। अगर भाई पिछले दिनों की बहसों को याद करिए अभिषेक जी, हम आप तो एक ही शहर के रहने वाले हैं और हम लोगों ने लगातार एक जैसे आंदोलनों से जुड़ाव भी रखा है। बहुत अच्छे से आपको भी ज्ञात होगा कि JNU पर हमला, रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या, वहां से एक एक रवायत शुरू हो गई हिंदी साहित्य के तमाम बुद्धिजीवी, हिंदी नहीं कई साहित्य के भाषाओं के साहित्य के बुद्धिजीवियों ने पुरस्कार वापस किया था प्रतिरोध के रूप में। नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पंसारे, गौरी लंकेश और तमाम लोग जिनकी हत्याएं हुई, ये एक प्रवृत्ति थी जिसमें राष्ट्र और धर्म को इतना हावी कर दिया गया हो कि रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, किसानी, इनके मुद्दे हाशिए पर चले जाए। और यही इस देश में हुआ है। विश्वविद्यालयों पर हमला, छात्रों पर हमला, मेरे अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैनी बाबू अभी भी जेल में है, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े जेल में है, गौतम नौलखा जेल में है, उमर खालिद जेल में है। ये लोग आतताई आतंकवादी नहीं है, ये इनकी विचारधारा सरकार की विचारधारा से मिल नहीं खाती थी। तो लगातार इसी मुद्दों पर चुनाव लड़े गए, पुलवामा हुआ चुनाव के ठीक पहले, उसके बाद तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो संदेहास्पद है। उत्तर प्रदेश का चुनाव, अभिषेक जी, मैं उत्तर प्रदेश के वोटरों को और तमाम आप जैसे प्लेटफॉर्म के लोगों को एक साधुवाद तो करूंगा कि उन्होंने कहराना हिंदू मुसलमान, अब्बा जान पाकिस्तान शमशान, गर्मी ठंडा कर देना और तमाम इस तरह के मुद्दों, लाल टोपी रेड अलर्ट है, साइकिल से आतंकवाद फैलता है, इन सारे मसलों को होने के बावजूद सांप्रदायिक रंग नहीं होने दिया। राम के नाम पर कम से कम प्रथम दृष्टया तो चुनाव जनता नहीं लड़ रही, हाँ एक पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही है। आखिरी टिप्पणी मेरी अभिषेक जी ये है कि ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में, जन जागरूकता के दौर में, विश्वविद्यालयों और आप जैसे प्लेटफॉर्म के दौर में, अजय शुक्ला जी अभी बोल रहे थे, आ गए, मैं इनके सामने वो बात कहता हूं कि जब एक विमर्श सत्ता द्वारा स्थापित किया जाता है तो उसका काउंटर नैरेटिव भी आता है। ये विज्ञान और दर्शन का स्वाभाविक तर्क प्रक्रिया है। तो जब आपने हर चीज को इवेंट बना दिया, धर्म और राष्ट्र को वोट की मशीन बना दिया, भावनाओं और संवेदनाओं को उकसाकर उनके नाम पर गोलबंद करने को सियासी टूल बना दिया, तो ऐसा हर्ष होना था। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव फिलहाल तो पुरानी पेंशन के मसले पर, खेती किसानी और सांड के मसले पर, 5 किलो यूरिया घट गए उसके मसले पर, इलाहाबाद में नौजवानों पर लाठी चला उसके सवाल पर, 69,000 शिक्षक घोटाले पर, तमाम इस तरह के सवालों पर लड़ा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का सवाल था, महंगाई का सवाल है, पेट्रोल डीजल का सवाल है। तो मुझे लगता है अभिषेक जी, ये भावनाएं और संवेदनाएं बहुत दूर तक असर नहीं करती हैं, और इसके नाम पर आप एक बार दो बार सत्ता पा सकते हैं, लेकिन
अंतर सारी चीजें चूल्हे पर रोटी पक रही है और लगातार दुर्लभ होती जा रही है, तो जनता कहीं ना कहीं तो हिसाब मांगेगी, उत्तेजित होगी, आवेशित होगी, और वही उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिख रहा है। 10 मार्च का परिणाम अगर सकारात्मक रहा तो पूरे देश में एक उम्मीद जगेगी कि ऐसे तानाशाही इवेंट वाले लोगों, आतताई लोगों को भी शिकस्त दी जा सकती है और अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ करके चुनाव जीता और जितवाया भी जा सकता है। लक्ष्मण जी, आप तो चूंकि हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, क्या आपको लगता है कि हरिवंश राय बच्चन कह गए हैं कि मंदिर मस्जिद भेद कराते मेल कराती मधुशाला, तो क्या आपको लग रहा है कि मंदिर मस्जिद ने जो भेद कराया मधुशाला की बजाय किसानों और नौजवानों ने मेल करा दिया? ये मेल सांप्रदायिकता और कॉरपोरेट जो एक तरह का हिंदुत्व था, इसका जो एक घाल मेल चल रहा था, क्या उस मेल पर जो है ये नौजवानों और किसानों का मेल भारी पड़ गया है? हिंदू मुस्लिम वाले इस पूरे नैरेटिव को खत्म कर चुका है। अब चूंकि अभिषेक जी आपने कविता की बात कर दी और मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर अभी बैठा हूँ जो कम से कम ऐसी बहस नहीं कराता कि जिस व्यक्ति का नाम मिस्टर मैकेडम है और उसको कहे कि भाई आप ये क्यों बोल रहे हो, और उस व्यक्ति को बोलना पड़े कि मैं ही मिस्टर मैकेडम हूँ, तो वो कहे अरे गलती हो गई हमसे। तो वैसी बहस नहीं हो रही है, गंभीर बहस हो रही है, इसलिए अक्सर आपके प्लेटफॉर्म पर मैं भी कविताओं का जिक्र करता हूँ। जिस समय हमारे दौर में राजनीति की भाषा इतनी गिरती नजर आए कि उसमें आपको तय कर पाना मुश्किल हो जाए कि आपकी जहनीयत ज्यादा गिरी है या भाषा, उस दौर में कविताएं साहित्य कई बार बहुत मारक बातें कहता है। मुझे लगता है आज के दौर में ये बात कहनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण कविता की पंक्ति है कि तन की भूख मन को गुनहगार बना देती है, बाघ की बाघ को बीमार बना देती है, भूखे पेटों को राष्ट्रभक्ति सिखाने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। ये गोपाल दास नीरज की कविता है। इसका अर्थ क्या है, इसका तर्जुमा क्या है कि आप किस जब मन की भूख मिटी हो ना तन की, हमारे यहाँ भक्ति आंदोलन में कहा गया भूखे पेट न हो, भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। तो जानते हैं भूख रोटी, और रोटी पर कविता लिखी है कि एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरे आदमी रोटी से खेलता है, एक ये और तीसरा आदमी उससे खेलता है। मैं पूछता हूं कि ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। तो वह जो कविताएं हैं, हमारे यहाँ हिंदी साहित्य प्रतिरोध की जमीन पर खड़ा हुआ। हमारे यहाँ कबीर पैदा हुए, कबीर ने कहा अरे इन दोन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, और उन्होंने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास। ये दरअसल सांस्कृतिक विमर्श अभिषेक जी हमारे दौर में कुपड़ और अपड़ लोगों के बीच। लक्ष्मण जी, ये सांस्कृतिक विमर्श की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इसकी इसके जवाब में तो जो ये सांप्रदायिकता का नैरेटिव बढ़ा गया, उन लोगों ने एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खड़ा कर दिया। हालांकि इसके बारे में इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, आप भी उस कार्यक्रम में थे हमारे साथ। तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है, सांस्कृतिक विमर्श सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर कैसे भारी पड़ गया? मैं यही कह रहा था अभिषेक जी, इसके लिए होता क्या है ना, देखिए पूंजीवाद आया, वो एक चुनौती बनकर आया और उसकी चुनौतियां आज दुनिया के सामने हैं। हमारे देश उसके साथ ब्राह्मणवाद भी था, सोशल सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक आधार पर डिस्क्रिमिनेशन था, पितृसत्ता थी, ये तमाम तरह के विभाजन पहले से मौजूद थे। पूंजीवाद ने उन विभाजनों को कम भी किया और बढ़ाया भी। तो आज हमारा देश कई तरह की इस तरह की चुनौतियों से जूझ रहा है। 1950 में जब भारत का संविधान लागू हुआ ना, तो हर एक नागरिक के मन में एक भरोसा दिया गया था, एक ख्वाब जो था उसे पूरा करने का, कि हम सबको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार एक एक वेलफेयर स्टेट के तौर पर देंगे। हमारी जिम्मेदारी होगी किसी की जेब में पैसे या किसी की जाति गड़बड़ है, जो जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, अपर कास्ट नहीं है, या कोई महिला है, या कोई गरीब कमजोर है, वंचित है, उसको शिक्षा मिले या नहीं, रोजगार मिले या नहीं, स्वास्थ्य के लिए खांसी जुकाम नजला से कोई मर न जाए, इसकी जिम्मेदारी राज्य पर थी। तो अब होना यह था कि राज्य को ये जिम्मेदारियां निभा करके समता व न्याय बंधुता स्थापित करनी थी। हम वहां चूके, हमने बहुत कुछ अर्जित भी किया है, लेकिन हम बहुत बड़ी आबादी को ये बुनियादी सुविधाएं देने में चूके।
2022 तक आते आते अब आपके सामने ये चुनौतियां विकराल हो गई हैं। अब आप क्या करेंगे? आप सीधे इन चीजों का जवाब नहीं दे सकते, जनता को जो चाहिए वो दे नहीं सकते। तो हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है ना कि जो बच्चा बहुत शरारती होता है, माँ बाप उसकी जो है ना पैंट 2 इंच ढीली सिल देते हैं, तो वो शरारत करने की बजाय अपना पैंट संभालते रहता है क्योंकि वो हमेशा बहती रहती है। हमारे देश में ये हो रहा है ना कि अगर कोई व्यक्ति अपने रोजगार शिक्षा को मांगना ना लगे, इसके लिए उसको उलझा दो। और उसके लिए पहली चीज, दो तीन चीजें जरूरत थी। पहली ये थी कि एक ऐसे भावनात्मक मुद्दे पर उसको ले आओ जहां उसे बहुत समझाने की जरूरत ना पड़े, जैसे धर्म खतरे में है, जैसे राष्ट्र खतरे में है, जैसे आपका आपका आने वाला कल खतरे में है। अब यह जब समझाना है तो इसके लिए क्या जरूरत होगी? शिक्षा को बर्बाद कर दो, रोजगार को बर्बाद कर दो। तो ये दोनों काम इसलिए सायास किया गया अभिषेक जी, पिछले कई दशकों में हम लोग किसी पार्टी के प्रवक्ता बन के नहीं बैठते हैं, हम एक समाज को समझने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ मंथन करते हैं कि हमारा समाज कल को कैसे बेहतर हो। इसलिए इस देश में चुनावी मुद्दा बना राम मंदिर, इसलिए इस देश में चुनावी मुद्दा बना 370, इसलिए इस देश में 80-20 के नारे पर चुनाव खुलेआम लड़ा जा रहा है, गर्मी शांत करने की बात कही जा रही है। मगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता इतनी त्रस्त हो गई है 5 साल में कि उसे यह भी समझ में आ गया कि अब जैसे पिछड़े दलितों की बात मैं करूं, मैं चूंकि उस तबके से बहुत अध्ययन कर रहा हूं, उस पर जानता समझना हूं, कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने ये महसूस किया कि उनको ये समझ में आने लगा है कि भैया मंदिर तो हमारे गांव में पहले से था, या मंदिर चलो राम मंदिर बनाना था वो बन गया, इससे नौकरी तो नहीं मिली, इससे रोजगार तो हमें नहीं मिला, शिक्षा हमारे बच्चों को मिल नहीं रही, पेट्रोल का दाम कम हो नहीं रहा। तो अगर ये चीजें हैं तो ये सवाल बनकर उभरेंगे अभिषेक जी। इसलिए बहुत दिन तक भावनात्मक मुद्दे राजनीति में नहीं, हालांकि हमारे देश में भावनाओं से खिलवाड़ करके बहुत दिनों तक सत्ता पाई जा सकती है, इसीलिए अपड़ और कुपड़ रखा गया हमारे देश में शिक्षा। इसलिए मैं कहता हूं शिक्षा सबसे जरूरी सवाल था जहां हम चूके हैं, और शिक्षा सचेत बनाने की, डिग्री वाली नहीं, वो डिग्री वाली नहीं कि विदेश में मंत्री जाए और वहां जो है भारत माता की जय बुलवाए, उसके बाद मोदी जी की जय बुलवा के बेइज्जती करवाए, वो शिक्षा नहीं जिसमें आप जो है जिस विश्वविद्यालय के लोगों से निकले हुए लोग देश चलाएं उस विश्वविद्यालय को एंटी नेशनल कहें, वो शिक्षा नहीं, डिग्री वाली नहीं, सचेत बनाने वाली, जागरूक बनाने वाली। उत्तर प्रदेश के चुनाव के संदर्भ में आखिरी टिप्पणी कर रहा हूं अभिषेक जी आपके इस आज की बहस में, कि अगर हम इस प्रदेश की जनता को शिक्षा, रोजगार और किसानी खेती के सवाल पर वोट देते हुए अगर देख पाए 10 का परिणाम, और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस सत्ता को बदलना चाहता है, वो जानता है कि संविधान के लिए खतरा है ये लोग, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो बहुत कुछ बच जाएगा। अगर आप ये नहीं समझे तो भावनाओं को उकसा करके, आपको भावना के बल पर शासन करके इतना कमजोर बना दिया जाएगा कि भौतिक वस्तुएं कहीं नहीं मिलेंगी। फिर आपसे कहा जाएगा कि स्वर्ग में जब आप जाएंगे तो दूध दही की नदियां बहेंगी, वहां अप्सराएं होंगी, और वहां मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी। अभी आप पूरे देश को अंबानी और अडानी के हाथों बेचने दीजिए, अभी तो आपके पूर्व जन्म का कर्म फल है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? यही सब समझाया जाएगा और पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी ये भावनाएं इतना लील जाएंगी कि संवैधानिक मूल्य हाशिए पर चले जाएंगे। लक्ष्मण जी, किताबों का ढेर आपका देख करके मैं अपनी किताबों के ढेर के पास, अगर किताबों के अपने रैक के पास अपना ये पूरा सिस्टम लगाने की कोशिश करता हूँ तो लाइट पीछे आ जाती है, इसलिए मुझे दूसरी जगह लगाना पड़ता है, लेकिन आपकी किताबों को देख करके लग रहा है कि ये बात तो आप कम से कम जरूर बता ही देंगे कि क्या हुआ आखिर जिस ब्रांड मोदी की बात ये लोग कर रहे हैं। बचपन में हम लोग टीवी पर एक विज्ञापन देखते थे क्रिकेट मैच के समय, पेप्सी, नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। तो क्या लग रहा है कि इनका जो एजेंडा था, इनकी जो आर्थिक नीति थी, इनकी सामाजिक नीति थी, उसके बारे में भी लोग ये मान बैठे हैं कि नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट। जब कुछ ऑफिशियल ही नहीं है तब इनको बिना ऑफिशियल में बहुत दिन झेल लिया, कुछ पता नहीं चला इतने दिनों में कि इनकी नीति क्या है, कारण क्या है कि लोग उग गए। देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो ये कि अभी भी आप रोशनी की दिशा को लेकर चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो वो तस्वीर ट्वीट करते हैं जिसमें भीड़ किसी और दिशा में देख रही है और वो किसी और दिशा में हाथ हिला रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हूँ, इसलिए मैं तो रोशनी की दिशा को लेकर चिंतित रहूंगा ही। नहीं, बिल्कुल, नागरिक को हमेशा इसी तरह से सही दिशा में देखना चाहिए और उसके लेके चिंता होनी चाहिए, वरना सत्ता तो ऐसे ही हमारी अज्ञानता और
अगंभीरता का इस्तेमाल करती रहती है। चूंकि हम लोग एक गंभीर बातचीत कर रहे हैं, तो आपके सवाल पर आने से पहले एक टिप्पणी, चूंकि अजय जी और अरुणा जी बनारस को लेकर के बातचीत कर रहे थे, तो मैं उसमें जोड़ देता हूँ कुछ उन लोगों की बातों को आगे बढ़ाते हुए। आप माइथोलॉजी के साथ साथ, मैं बार बार भक्ति मूवमेंट का जिक्र करता हूँ, क्योंकि भाई आप अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो उस हिंदू राष्ट्र में कबीर तो होंगे ना। मैं सवाल भी पूछता हूँ उन लोगों से कि भाई आपके हिंदू राष्ट्र में कबीर, रविदास, नानक, पलटू, दादू, भीष्म, शाह, ये हैं कि नहीं है? ये सारे भी होंगे, रसखान भी होंगे, मानुस हो तो वही रसखान बसो वन। अब आइए काशी पर, कबीर की जमीन है काशी, लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी, इनके इनके हिंदुत्व में और हिंदू राष्ट्र में कबीर और रविदास जी और रसखान जी जैसों का स्थान नहीं होगा, क्योंकि उनके उनके और हाँ गुरु नानक देव जी का भी स्थान नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल मैंने अजय जी ये इसीलिए जानबूझकर ये सवाल के रूप में इसे पूछा कि भाई आप जब हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, आप हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये सारे लोग कहाँ जाएंगे? काशी का तिल भर मच्छी खाए कर कोट गहू दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। उस कबीर को आप कहाँ रखेंगे? मन चंगा तो कठौती में गंगा। रविदास को कहाँ रखेंगे? तुलसी को कहाँ रखेंगे, जिसके जिसके बाद भी आप कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मैं सवाल पूछता हूं अभिषेक जी और तमाम वरिष्ठ लोग हैं, ये हिंदू धर्म के नाम पर भावनाओं के आहत होने वाला समूह इस नारे पर क्यों अपनी भावनाएं आहत होता हुआ नहीं देख रहा है? भगवान राम को अगर आप मानते हैं तो भगवान राम को मोदी और योगी लाए हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लाया है, और तुलसी कहां चले गए? मेरा शोध कार्य है तुलसी पर, कभी करवाइए अभिषेक जी अलग से बहस, इनके हिंदू राष्ट्र पर हम भी बात करेंगे। नहीं, लक्ष्मण जी, मेरा इसमें अलग जो जिसको हाँ कहते हैं अभिषेक, किसी दिन इस पे भी बहस कराइए और इस पे हम लोग बात करें। चुनाव खत्म होने दीजिए। बिल्कुल, कनकन में राम है तो ये राम को कहां लेके आए? कनकन में राम है तो राम इनको जो कनकन में है उनको ये कहां से लेके आ गए? ये तो इन्होंने दंडाबाजी की है। राम मंदिर, अरुणा जी, राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत लोग घुस गए हैं। अरे भाई, राम के नाम पर आपके सांस्कृतिक वांग्मय में क्या लिखा है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। आप किस सांस्कृतिक विमर्श की बात करते हैं? आपने दरअसल माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स का भी अपमान किया है अपने सियासी फायदे के लिए। सुषमा स्वराज ने यूं ही नहीं मध्य प्रदेश में कहा था कि राम मंदिर आंदोलन की वजह से हमारी सत्ता में वापसी का राजनीतिक फायदा हुआ। अब इस देश में हो ही रहा है अभिषेक जी ना, कि दरअसल न तो लोगों ने राम को ढंग से पढ़ा, न तो संस्कृति को ढंग से पढ़ा, और नागरिकों को अज्ञानी और बेरोजगार बनाया गया है केवल इसलिए कि आप गंभीर बहसों में जाए बिना केवल उसी पर नारा लगाएं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। भगवा तो बुद्ध का चोला था, चीवर, बुद्ध के चीवर का रंग भी भगवा था, और आज भगवा कपड़ा पहन करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर बैठते ही आपकी भाषा बेलगाम हो जाए तो आप कहां कबीर? और धर्म खतरे में, मैं पाकिस्तान के शायर का जिक्र कर रहा हूं। अभिषेक जी, आप लोग का चैनल तो वैसे ही विवादित है, मैं थोड़ा और विवादित बनाता हूं। पाकिस्तान के बहुत बड़े शायर थे हबीब जालिब। हबीब जालिब ने एक बहुत प्यारी नज्म लिखी है, खतरा है जरदारों को, सदियों के बीमारों को, अमरीका के प्यारों को, खतरे में इस्लाम नहीं। उस जमाने में उन्होंने इस्लाम से टक्कर लेते हुए लिखा था, सारी जमीन को घेरे हुए हैं आखिर चंद घराने क्यों, नाम नबी का लेने वाले उल्फत से बेगाने क्यों, खतरा है बीमारों को। ये जो खतरा है, ये किसी न तो इस्लाम खतरे में था, न हिंदू कभी खतरे में रहा। असल में ये जो सवाल था ना कि सारी जमीन को घेरे हुए हैं आखिर चंद घराने क्यों, कोविड काल के 2 साल में 256 गुना अंबानी अडानी की आय बढ़ जाए और 12 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएं, उसके बाद कोई धर्म खतरे में है कि आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है? 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर के दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित, मेहनतकश कामगार, काश्तकार लोग, उनके पेशे खत्म हो गए, उनकी अर्थव्यवस्था डूब गई, और आप आज राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जनता आपको वोट दे रही है।
ये मेरा सवाल है। और आखिरी टिप्पणी आपके सवाल पर अभिषेक जी, कि ये जो पूरा सांस्कृतिक विमर्श खड़ा किया गया ना, ये दरअसल उथला था, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और इसलिए जब जनता को ये समझ में आया कि भाई 2G 3G और कौन कौन सा कोलगेट कौन कौन सा घोटाला हुआ, तो डी ए राजा जेल में चले गए, कन्नी मोझी जेल में चली गई, अन्ना आंदोलन खड़ा हो गया। अन्ना आंदोलन के बाद पता चल रहा है कि वो सारा आंदोलन प्रायोजित था, जो घोटालों की बात की गई वो प्रायोजित थे, और वैसा कोई घोटाला नहीं हुआ, आंदोलन करने वाले सारे लोग बड़े बड़े पदों पर चले गए। तो जेल में कौन है? लालू यादव जेल में है।